समाज का एक अभिन्न अंग है दिव्यांग जन, और दिव्यांग जनों के भी अपने अधिकार हैं। सरकार इन दिव्यांग जनों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है, जिसके संदर्भ में अपर आयुक्त ने पत्रकारों को जानकारी दिया। दिव्यांगों के अधिकार के बारे में अपर आयुक्त ने बहुत कुछ सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सभी के दिव्यांग जनों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ दिव्यांग जनों को प्राप्त हो रही है। आपने 16 नंबर लिखा हुआ है, इतना बार बार क्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंडीशन आप में है, जो प्रिंट भवन निर्माण विभाग को बदल जाएगा। मैं आप प्रेजेंटेशन दिखाऊं मीडिया में, जो आपने न्यूज़ निकालते हैं उसके आधार पर मेरे पास पावर है 100 मोटो का। तो आप हमारे नंबर है ही, व्हाट्सएप कीजिए, न्यूज़ निकालिए और देखिए उस पर कैसे कार्रवाई होती है। करता है दिव्यांगों को प्रताड़ित किया जाता है, उसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है दोनों, और कई ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज का प्रावधान है चैप्टर 16 दिव्यांगन अधिकार अधिनियम में। और मैं, मेरे पास 80 से 82 तक सिविल कोर्ट के पावर है, और मैं उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम। सर, दिव्यांगों के लिए जो स्कूल नहीं है वैसे में करना है, उसके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मैं बताया कि यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, स्कूल हमारे बीओ के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, सभी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। और सभी को मैं पहले बता रहा हूँ कि अधिकार का अधिनियम टाइम फ्रेम के साथ उनको करना है, अगर नहीं किया जाएगा तो कानून जो है अपना काम करेगा। सर, अभी जागरूक करने के बाद भी वो सोचते हैं कि लोग हमें इस तरीके दिव्यांग नजर से देखेंगे, उनको कैसे सर प्रेरित किया जाए? अभी देखिए, अगर लाभ मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से, ये जो हमारा हक है कि सब हमारे समाज में हर तरह का अलग अलग है, इसकी भ्रांति जब उनको अपने आपको दिखाया कि दिव्यांगजन सामान्य लोग से अच्छा काम करते हैं, मैं तो अगर उनको मौका मिले, उनको जानकारी ले कि नहीं, और सरकार उसके लिए बहुत सारा प्रोविजन भी किया है, तो एक बार जब हमको लगता है कि उसको पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से ये भावना बदलेगी। अभी सिर्फ दिव्यांग को जो हीन भावना इसलिए शिकार होता है कि लोग सोचते हैं कि गोईठा में घी सुखाना है, उस पर बोझ समझते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं, लेकिन हमारा काम है उसको मेन स्ट्रीम में लाना और प्रोडक्टिव सिटी। ऐसी परिस्थिति में देखते हुए हम बताएंगे कि अभी आनंद नगर में, देखिए मैं पहले आया हूँ भोजपुर आराम में, और ये हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। कल हम लोग प्रशासन के जितने अधिकारी हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं कि 3 वर्षों में दिव्यांगजनों को क्या सुविधा मिली है। जब दिव्यांगता की बात होती है तो ज़्यादातर हम लोग सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगता, लेकिन हर एक विभाग को अपने स्तर से दिव्यांगों को लाभ पहुँचाना है। जैसे मैंने बताया कि 5% हर विभाग को अपने अपने गरीबी उन्मूलन योजनाओं का खर्च करना है। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर सभी से मिल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन का मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि हॉस्पिटल का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्राइवेट स्कूल के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके बाद विभिन्न संस्थाओं के साथ कार्यक्रम है, जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मीटिंग है, सभी को ये जो नया कानून बना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसके बारे में जानकारी का थोड़ा सा कमी है, उस जानकारी को करने के लिए हमने ये 2-3 दिन का प्रोग्राम रखे, और अंतिम जो हम 4 तारीख को DRCC आरा में दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट लगाए जाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है, कोर्ट मतलब लोग सोचते हैं जहाँ झगड़ा हो, फसाद हो, कोई जमीन है पे हुआ वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उस अधिकार का अनुपालन नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी को सर्टिफिकेट नहीं बना है वो अधिकार का हनन है, अगर किसी को पेंशन नहीं मिला है वो अधिकार का हनन है, किसी को भूख से मर रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा वो अधिकार का हनन है, किसी को रोजगार नहीं मिला वो अधिकार का हनन है, किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा वो अधिकार का हनन है, कोई रैंप नहीं बना है अपने वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे वो अधिकार का हनन है, इसी तरह किसी दिव्यांग का शादी नहीं हो रहा है ये भी अधिकार का हनन है कि सरकार क्या व्यवस्था करे कि उसका शादी ब्याह हो। इसी तरह
जो मोबाइल कोर्ट लग रहे हैं चलंत लोक अदालत दिव्यांगजनों के लिए, वो कोई भी उसका अधिकार हो, कोई भी दिव्यांग को किसी तरह की उनको लगता है कि मेरा हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो विहित प्रपत्र में वो आए, उस दिन ऑर्डर किया जाएगा। तो सर दिव्यांगों का कुछ लेकर आना होगा कि बस? हाँ, दिव्यांगजन आए अपना कोई पहचान पत्र लाएं कि वो आधार कार्ड भोजपुर के रहने वाले हैं, या आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, अगर नहीं भी है तभी आएगी, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होने से उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जब आपके दिनांक तय दिनांक से अगर वंचित रह जाते जो दिव्यांग, तो क्या वो दिव्यांग फिर बाद में पुनः बिल्कुल कर सकते हैं? हम बताएंगे आपको कि हमारा ईमेल के माध्यम से, प्रपत्र में, पत्राचार के माध्यम से, अभी मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके भी अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो दिव्यांगजन सरकार आपके द्वार, मतलब दिव्यांगजन को घर पर ही सारी सुविधा कैसे मिले, उसको सस्ता में न्याय कैसे मिले, सारी सुविधा ये सरकार पूरा प्रयत्नशील है और सरकार का जो ये लक्ष्य है कि अच्छा एजुकेशन के लिए जो लोन की बात बोल रहे थे कि दिव्यांगों के लिए जो लोन किया जाएगा वो 10 लाख तक की होगी, तो क्या इसमें दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की रोजगार ऋण बिना कोई गारंटी को मिलना है, मतलब कोई मोर्गेज नहीं करना है, कोई नहीं, बिना कोई। तो विदिन कितने दिनों में हो जाएगा ये? अभी आदेश देंगे, बैंक के साथ काम करेंगे और बैंक एसेस करेगी कि वो उसका एजुकेशन लेवल, क्योंकि देखिए लोन तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स सामने आते हैं लेकिन जब लोन प्रोसेस होता है तो बैंक मैनेजर उसे नकार देता है, तो इस तौर पर 7 महीने 8 महीने या सालों भर नहीं होता। नॉलेज में आई है कल सहरसा का मोबाइल कोर्ट का घटना है, मैं सारे जो बैंक अधिकारी है उसके ऊपर मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ, तो जब जो अधिकार है उसको मिलना है, अगर नहीं आया उसको हम अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि मुद्रा लोन की जहाँ तक बात है तो वो तो आईडी पर मिलना है, तो वैसे ही आप जो बता रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए जो लोन होगी विदाउट मॉर्गेज होगी, तो क्या बैंक इतनी आसानी से कर पाएंगे? बोला ना कि अगर नहीं कर पाएंगे तो कानून अपना काम करेगी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत। मैं तो बोला अभी तो ऑर्डर करने दीजिए, देखिए अगर नहीं करती तो हम उस अधिकार का अनुपालन नहीं हो रहा, जैसे कि किसी को सर्टिफिकेट नहीं बना वो अधिकार का हनन है, अगर किसी को पेंशन नहीं मिला है वो अधिकार का हनन है, किसी को भूख से मर रहे हैं तो खाना नहीं मिल रहा वो अधिकार का हनन है, किसी को रोजगार नहीं मिला वो अधिकार का हनन है, किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा वो अधिकार का हनन है, कोई रैंप नहीं बना है अपने वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे वो अधिकार का हनन है, इसी तरह किसी दिव्यांग का शादी नहीं हो रहा है ये भी अधिकार का हनन है कि सरकार क्या व्यवस्था करे कि उसका शादी ब्याह हो, इसी तरह जो मोबाइल कोर्ट लग रहे हैं चलंत लोक अदालत दिव्यांगजनों के लिए, वो कोई भी उसका अधिकार हो, कोई भी दिव्यांग को किसी तरह की उनको लगता है कि मेरा हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो विहित प्रपत्र में वो आए, उस दिन ऑर्डर किया जाएगा। तो सर दिव्यांगों का कुछ लेकर आना होगा कि बस? हाँ, दिव्यांगजन आए अपना कोई पहचान पत्र लाएं कि वो आधार कार्ड भोजपुर के रहने वाले हैं, या आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, अगर नहीं भी है तभी आएगी, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होने से उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जब आपके दिनांक तय दिनांक से अगर वंचित रह जाते जो दिव्यांग, तो क्या वो दिव्यांग फिर बाद में पुनः? बिल्कुल कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको कि हमारा ईमेल के माध्यम से, प्रपत्र में, पत्राचार के माध्यम से, अभी मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके भी अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो दिव्यांगजन सरकार आपके द्वार, मतलब दिव्यांगजन को घर पर ही सारी सुविधा कैसे मिले, उसको सस्ता में न्याय कैसे मिले, सारी सुविधा ये सरकार पूरा प्रयत्नशील है और सरकार का जो ये लक्ष्य है कि अच्छा एजुकेशन के लिए जो लोन की बात बोल रहे थे कि दिव्यांगों के लिए जो लोन किया जाएगा वो 10 लाख तक की होगी, हाँ, तो क्या इसमें दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की रोजगार ऋण बिना कोई गारंटी को मिलना है, मतलब कोई मोर्गेज नहीं करना है, कोई नहीं, बिना कोई। तो विदिन कितने दिनों में हो जाएगा ये? अभी आदेश देंगे, बैंक के साथ काम करेंगे और बैंक एसेस करेगी कि वो उसका एजुकेशन लेवल, क्योंकि देखिए लोन तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स सामने आते हैं लेकिन जब लोन प्रोसेस होता है तो बैंक मैनेजर उसे नकार देता है, तो इस तौर पर 7 महीने 8 महीने या सालों भर नहीं। नॉलेज में आई है कल सहरसा का मोबाइल कोर्ट का घटना है, मैं सारे जो बैंक अधिकारी है उसके ऊपर मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ, तो जब जो अधिकार है उसको मिलना है, अगर नहीं आया उसको हम अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि मुद्रा लोन की जहाँ तक बात है तो वो तो आईडी पर मिलना है, तो वैसे ही आप जो बता रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए जो लोन होगी विदाउट मॉर्गेज होगी, तो क्या बैंक इतनी आसानी से कर पाएंगे?
हो सकता है कि अगर नहीं कर पाएंगे तो कानून अपना काम करेगी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत। मैं तो बोला अभी तो ऑर्डर